वेलकम टू पॉलीगल। हमने कई ऐसे एक्टर्स देखे हैं जिनका करियर एकदम से फॉल डाउन हो गया था और इंडस्ट्री में उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलनी ही बंद हो गई थी, बट उनके एक अमेजिंग परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने अपने करियर को सेव कर लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके थे, लेकिन उनके एक अमेजिंग परफॉर्मेंस की वजह से आज भी वो अपने करियर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हर बार की तरह दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अरे आप नगमा पागल हो रही हो? चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। नंबर 1, मनोज वाजपेयी इन सत्या। नोबडी कैन डाउट हाउ सच एक्टर मनोज वाजपेयी। टीम बॉलीगल इज ऑल्सो जेन्युइन फैन ऑफ हिम, बट देयर वॉज टाइम जब मनोज वाजपेयी की कई सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी। मूवी ध्रुवकाल और दस्तक वॉज मूवी जिनको ऑडियंस ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, एंड मनोज वाजपेयी हैड नॉट रिकॉग्नाइज बाय दिस मूवी। बट इन 1998 इनिशियली मूवी सत्या वॉज रिलीज, जिसमें मनोज वाजपेयी ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी एंड ही मेड अ मेमोरेबल मूवी फॉर ऑडियंस। फ्रॉम दैट मोमेंट मनोज वाजपेयी को नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था। मनोज वाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में कई बार बताया है, सत्या वॉज एन मूवी विच सेव्ड माई करियर। नंबर 2, संजय दत्त इन MBBS। Everyone knows Sanjay Dutt was a huge star in the late 90s, where there is so many blockbuster movies of Sanjay Dutt, जिसको आज भी हम याद करते हैं। But due to criminal cases against Sanjay Dutt, sudden industry में Sanjay Dutt की पूरी image गिर चुकी थी और लोग इन्हें बिल्कुल भी recognize नहीं कर रहे थे। Movie Hatyara and Rudraksh was movie जिससे Sanjay Dutt ने again industry में comeback किया था, लेकिन ये दोनों ही मूवी फ्लॉप हो गई थी एंड संजय दत्त वॉज रियली नीड अ बिग मूवी एंड मुन्ना भाई MBBS वॉज द सेम मूवी फॉर संजय। संजय दत्त ने कई बार खुद ही बताया है कि मूवी MBBS वॉज मूवी जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में अगेन स्टेबल एंड रिस्पेक्टिव पर्सन बन पाए थे। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? नंबर 3, कंगना रनौत इन क्वीन। कंगना इज एन एक्सपेरिमेंटल एक्ट्रेस जिनको हमने ज्यादातर अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते देखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग में फ्लॉप मूवीज दी हैं, इवन उनकी स्टार्टिंग की सभी मूवीज हिट रही थी, बट स्टिल उन्हें इंडस्ट्री में अनरिकॉग्नाइज किया जाता था। कंगना ने खुद ही बताया था मूवी क्वीन से पहले ज्यादातर डायरेक्ट उन्हें इमेच्योर समझते थे एंड सीरियसली नहीं लेते थे, बट मूवी क्वीन वॉज जिसकी वजह से इंडस्ट्री में उनका करियर सेव हो पाया। नंबर 4, सलमान खान इन वॉन्टेड। देयर वॉज अ फेज इन सलमान खान्स करियर जब सलमान खान का करियर पूरी तरह से फॉल डाउन हो गया था बिकॉज कंटिन्यू उनकी सारी मूवी फ्लॉप हो गई थी। मूवी हेलो एंड जाने मन लाइक दिस टाइप ऑफ मूवीज सलमान खान की बिल्कुल ही इरिस्पॉन्सिबल मूवी रही थी जिसको ऑडियंस ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बट आफ्टर ऑल सलमान खान डिसाइडेड टू मेक अ साउथ इंडियन रीमेक वॉन्टेड। मूवी वॉन्टेड ब्रेक्स मैनी रिकॉर्ड एंड इट बिकम्स सलमान खान्स करियर सेविंग मूवी एंड वहीं से सलमान खान बिकम भाईजान इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं और शेर अकेले। नंबर 5, शाहिद कपूर इन हैदर। शाहिद हमेशा से इंडस्ट्री में एज अ चॉकलेट बॉय रहे हैं एंड ही गिव अस मैनी मोर मूवीज लाइक विवाह, चुप चुप के, फिदा एंड मैनी मोर। दीज वर मूवी जिसे वो इंडस्ट्री में थे, बट ही कुड नॉट चेंज हिज इमेज इन इंडस्ट्री। बट हैदर वॉज मूवी जिसमें शाहिद ने अपने डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ एक्टिंग को प्रेजेंट किया था जिसको ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया था एंड शाहिद बिकम अ बैंकेबल एक्टर फॉर डायरेक्टर्स। शाहिद ऑलरेडी टोल्ड टू मीडिया हैदर वॉज मूवी जिसकी वजह से इंडस्ट्री में उनकी इमेज चेंज हो पाई थी और उनके करियर को एक नया ब्रेक मिला था। नंबर 6, आमिर खान इन रंग दे बसंती। आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ लगान आमिर खान टुक्स 5 ईयर लॉन्ग सबटिकल फ्रॉम द इंडस्ट्री। आमिर खान चाहते थे कि वो 2005 में मंगल पांडे के साथ ब्लॉकबस्टर में कमबैक करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। मूवी मंगल पांडे वॉज टोटली फाइनेंशियली डिसअपॉइंट टू मेकर्स एट द बॉक्स ऑफिस।
हाउएवर ये उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी में से एक थे। आफ्टर दैट इट वॉज द 2006 फिल्म जब आमिर खान ने अपनी मूवी रंग दे बसंती के साथ कमबैक किया था एंड इट बिकम अ सक्सेसफुल मूवी फॉर आमिर खान। आफ्टर सिक्स ईयर आमिर खान को अगेन उनके करियर में बूस्टअप मिल गया था। नंबर 7 इरफान खान इन स्लम डॉग मिलियनर। इरफान खान हमारी टीम के लिए उन एक्टर्स में आते हैं जो हमेशा अपनी एक्टिंग डिफरेंट एस्टिमेट के साथ प्ले करते हैं। एक समय था जब उनकी मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप रही एंड हिज करियर वॉज ऑलमोस्ट फिनिश। मूवी चॉकलेट एंड बिल्लो वॉज टोटली फ्लॉप जिसमें ऑडियंस ने इरफान को बिल्कुल पसंद नहीं किया। बट दैट इज 2009 फिल्म स्लम डॉग मिलियनर जिसमें इरफान खान ने एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया था। मूवी उस साल की सबसे हिट मूवी रही थी एंड इरफान खान को सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया था। एंड नॉट ओनली दैट ड्यू टू दिस कैरेक्टर ऑफ इरफान खान ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड इन 2009। रियली दिस वॉज द मूवी जिससे इरफान को इंडस्ट्री में एक डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। हाउ यू लाइक इरफान खान डू लेट अस नो इन द कॉमेंट। नंबर 8 अक्षय इन हेरा फेरी। देर वॉज टाइम जब अक्षय कुमार ने अपने करियर में बैक टू बैक 16 मूवी फ्लॉप दी थी एंड ही वॉज टोटली डेस्परेट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। आफ्टर द सो मैनी फ्लॉप मूवीज अक्षय कुमार ने ये डिसाइड किया था कि वो भी अपनी एक्टिंग में एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड सेम एज इट उन्होंने ऐसा ही किया एंड कम बैक विद द कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी हेरा फेरी। ऑडियंस ने अक्षय के इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी पसंद किया एंड उनके कॉमेडी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आफ्टर दैट अपने सभी कॉमेडी मूवीज में अक्षय कुमार एज मेन लीड में कास्ट किए जाने लगे। हेरा फेरी की वजह से हेरास्टी में इन्हें डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास, 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। नंबर 9 नवाजुद्दीन इन गैंग्स ऑफ वसेपुर। नवाजुद्दीन इज एन एक्टर जिसने रियली में अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, दैट्स वाई आज वो सभी के फेवरेट हैं। देयर वाज अ टाइम जब नवाजुद्दीन सर के करियर में भी फॉल डाउन आया था एंड उन्हें अच्छी फिल्म नहीं मिल पाती थी, बट आफ्टर द सक्सेस ऑफ गैंग्स ऑफ वसेपुर सभी ने इन्हें इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स दिया था एंड वहीं से उनके करियर को एक नया ब्रेक मिला एंड टुडे यू कैन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी हु इज एक्चुअली। अरे अब नगमा पागल हो रही हो। चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर तेरा फैजल। नंबर 10 शाहरुख खान इन देवदास। इन द स्टार्टिंग ऑफ शाहरुख खान इज नोन फॉर इज रोमांटिक परफॉर्मेंस विद हिट मूवी DDLJ एंड कुछ कुछ होता है, बट स्टिल फॉर द ईयर्स इन्होंने इंडस्ट्री में एक भी हिट मूवी नहीं दी थी एंड ऑडियंस इन्हें अनरिकॉग्नाइज करने लगे थे। बट विद संजय लीला भंसालीज मूवी देवदास उन्होंने दोबारा कम बैक किया एंड ऑडियंस ने उनके रोमांटिक टोन एंड एंटी लवर साइड को काफी पसंद किया था एंड फ्रॉम दिस मूवी शाहरुख खान ऑडियंस एंड डायरेक्टर के लिए नोटिसेबल एक्टर बन गए थे। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। नंबर 11 ऋतिक रोशन इन कोई मिल गया। ऋतिक स्टार्टेड हिज करियर विद सुपरहिट मूवीज कहो ना प्यार है जिसने कई सारे अवार्ड अपने नाम किए थे। अपनी डेब्यू मूवी से ही ऋतिक ने ऑडियंस में अपनी रिकॉग्नाइजेशन तो पा ली थी, बट ऑडियंस ने इन्हें मूवी कोई मिल गया से एक स्टेबल एक्टर माना था। एट दैट टाइम कोई मिल गया गॉट ह्यूज सक्सेस, इवन आज भी स्पेशली बच्चे इस मूवी को देखते हैं। दिस वॉज द टाइम जिसने ऋतिक को एक स्टेबल एक्टर बनाया था एंड मैसिव में पॉपुलरिटी दिलाई थी। अरे, ये तुमने कैसे बजाई? ये ट्यून तो मुझे आती है, माले मुझे सिखाया था, बताओ। नंबर 12 अमिताभ बच्चन इन मोहब्बतें। अमिताभ बच्चन सर इज नोन एज बिग बी इन इंडस्ट्री एंड हमेशा से उन्होंने हमें वो दिखाया है जो एक ऑडियंस देखना चाहती है। बट देयर वॉज अ फेस ऑफ अमिताभ बच्चन सर जब बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हुई थी। मूवी छोटे मियाँ बड़े मियाँ एंड सूर्यवंशम, दीज आर मूवी जिनकी वजह से उनका करियर फॉल डाउन होने लगा था। एंड आफ्टर दैट ही केम इन मोहब्बतें जिसमें उन्होंने आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी थी एंड मेड अ मेमोरेबल कैरेक्टर फॉर एवरीवन। आफ्टर दिस मूवी ऑडियंस ने अमिताभ सर को मूवी में देखना अगेन शुरू कर दिया था। परंपरा
प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। तो चलिए, दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं, डू यू हैव अदर नेम दैट यू लाइक टू ऐड इन द लिस्ट? डू लेट अस नो इन द कमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉर विच यू वॉन्ट। बाय बाय।